मैं अपने दर्शकों से जरूर कहूंगा कि आज 1 जून का जो इलेक्शन है और लास्ट राउंड जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, लोगों के चेहरों पे ऊपर जो है एक खुशी लोग अपना वोट दे के जाहिर कर रहे हैं और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हर एक नागरिक का जो है ये एक अपना अधिकार है और देश के हित को लेके अगर हम बात करें तो एक राजा को हमें एक स्टेज देना पड़ता है और उसके द्वारा ही जो है देश का भविष्य जो है, या यूँ कहें कि हमारे जो आज के नौजवान हैं, और ये हम ज़रूर कहेंगे कि ये वोट जो है वो देश के नौजवानों के हित को लेके होना चाहिए। और आप जुड़े रहें रिपोर्ट के साथ, थोड़ी देर में हम हिंदुस्तान का जो भविष्य है, आज एक राजा की जो पहचान है वो 4 जुलाई को सामने आएगी। क्या कहेंगे आप इस बारे में जो आज अंतिम चरण वोट की जो समाप्ति होने जा रही है? जैसे पूरे देश में जो अंतिम चरण का जो चुनाव है वो बहुत लोगों में उत्साहित है और लोग बड़े उत्साह हैं कि माननीय मोदी जी के जो विकास कर रहे हैं, और माननीय मोदी जी के नाम पर जो है सब लोगों में उत्साह है और बहुत बढ़िया मतदान हो रहा है, लोगों में उत्साह। युवा साथी जो हैं वो कई युवा साथियों ने अपना पहला मतदान किया, जैसे हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बोला हम विकास के नाम पर जो है वोट दिया है और माननीय मोदी जी के नाम पर उन्होंने वोट दिया है और इसमें जो है ये विकास की जीत होगी और पूरे राष्ट्र में पूरे देश में जो है मोदी माननीय मोदी जी के ही नाम पे जो है वोट दिया जा रहा है। अगर हम दिनेश जी बात करें कि कुछ चीज़ों को लेके जो आज का जनरेशन है वो कुछ हताश है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आज की जनरेशन बोलती है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, पहले देश है और ये जो चुनाव है देश हित के लिए है और जितने भी युवा जनरेशन है वो देश हित के लिए चुनाव अपना वोटिंग कर रही है।